जी मुझे नहीं सुटेबल लगी ये वॉइस यशल के साथ, क्योंकि यशल हमेशा अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से देख ले। मुस्तफा जायद के जो फैन है ना वो कमेंट पे नाराज ना हो जाए। आई एम गिविंग अ ऑनेस्ट रिव्यू। व्हाट दे कुड हैव डन इज के इधर आसिम अजहर को लेके आते हैं। यशल के साथ अगर आसिम का कोलैब होता ना तो कमाल ही हो जाता। एक कोलैबोरेशन वीडियो ना होनी चाहिए आसिम अजहर और यशल की। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज ज़वार यावर, यू आर वाचिंग स्क्रीन रिव्यूज और मेरे साथ मौजूद हैं रुबाब अली। जनाब एक न्यू सॉन्ग आया है जस्ट फ्यू डेज बैक और गाया उसको एक ऐसे सिंगर ने जिसका एक गाना बहुत पहले आया था तो फिर आओ। और जब वो गाना आया था ना तो इतनी क्रेजी फैन फॉलोइंग हुई थी। मतलब मुझे याद है कि जितनी आतिफ के लिए आदत की फैन फॉलोइंग है ना उससे भी बढ़कर तो फिर आओ की फैन फॉलोइंग मुस्तफा जाहिद के लिए। एंड आई डोंट थिंक, कभी कभार होता है ना कि किसी का एक गाना होता है कि उसमें उसको इतना फेम मिल जाता है कि फिर उससे ज्यादा फेम किसी और सॉन्ग में नहीं मिल पाता। तो आई थिंक मुस्तफा जाहिद का जो तो फिर आओ था। अच्छा, मुस्तफा जाहिद की बात कर रहे हैं। यस, मैं मुस्तफा जाहिद की बात कर रहा हूँ। तो मुस्तफा जाहिद का तो फिर आओ वो गाना था एंड आई थिंक के शायद मुस्तफा जाहिद भी उससे बेहतर और कोई काम नहीं कर पाएंगे। बट अभी उनका एक गाना आया है जिसका नाम है तमाशा और यशल शाहिद के साथ ये गाना आया है। यशल बड़ी हिट चल रही थी पिछले दिनों क्योंकि काफी सारे उन्होंने OSTs गाए और उनकी ना थोड़ी सी आवाज भी उसी तरह की है, थोड़ी सी भारी आवाज है। और वैसे मैंने उनको जो गाते हुए सुना है वो ज्यादातर स्लो सैड सॉन्ग, बट ये वाला जो गाना है ना ये थोड़ा डिफरेंट है। तो पहले गाना सुनते हैं और उसके बाद फिर इस पे अपना रिव्यू देते हैं। मिलके तो यूं लगा जैसे हमेशा से अपने ही थे। बहुत ज्यादा वेस्टर्न नहीं है? नाइस। तू है ही तो है मुझसे जुदा, तू रह सकता स्लो रैप तुझे क्या खबर मुझे मुझको तो बैकिंग भी फॉल सेटों में हो रही है। कैसा डार्क लुक रखा है ना, बिल्कुल रेड। प्यार में धोखों की बात हो रही है। ये जरूरी तो नहीं है कि हमें याद भी आए दोबारा। जी की आवाज बहुत ज्यादा कॉन्सेटो में जा रही थी बट मुस्तफा जाहिद की आवाज स्ट्रेट आ रही है और हाई पिच जा रही है। लेकिन यशल में क्वालिटी है, उसकी आवाज जो है इंस्ट्रूमेंट के साथ बहुत मैच कर चल रही है, फिक्स हो जाती है आवाज, फिक्स वॉइस। देखिए फॉल्सेटो में जा रही है बेसिकली। एक होता है ट्रू नोट, तो दिस इज नॉट ट्रू नोट, दिस इज फॉल्सेटो नोट। देखिए इधर फॉल्सेटो में जाना चाहिए था। दोनों की आवाज जब साथ में आ रही है तो बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है। तो जनाब दिस वॉज मुझको तो तूने तमाशा बना रखा है। और ऐसा अक्सर लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को भी कह रहे होते हैं, दोनों गेम्स खेल रहे होते हैं पीछे पीछे और साथ में सामने सामने कह रहे होते हैं तुमने तमाशा बनाया है। ऐसा भी होता है बहरहाल। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वाकई यू नो किसी की भी फीलिंग्स के साथ अगर आप इस तरह खेल रहे होते हैं तो अगला बंदा हर्ट हो भी रहा होता है लेकिन वो आपको इतना चाहता है कि
वो कुछ कर नहीं पाता. सो आई थिंक इस गाने में इसी चीज की फील देने की कोशिश की है, वो चीज एक्सप्रेस करने की कोशिश की है. और बहुत ही प्यारा गाया है यशल ने. यशल 9 out of 10. एंड मुस्तफा जाहिद बहुत अच्छा गाया है, हाई पिच बहुत ही अच्छा था. यानी अगर मैं उस हाई पिच की बात करूँ ना जिसपे उन्होंने गाया, इट्स अमेजिंग. लेकिन क्या है कि या तो यशल फॉल्सेटो में ना गा रही होती या ये स्ट्रेट नोट्स पे ना गा रहे होते. तो आई थिंक व्हाट दे कुड हैव डन इज कि इधर आसिम अजहर को लेके आते हैं. यशल के साथ अगर आसिम का कोलैब होता ना तो कमाल ही हो जाता. यशल प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप के पास ये वीडियो कहीं से भी घूमते घुमाते पहुंचे, या फिर आसिम अजहर आपके पास ये वीडियो घूमते घुमाते पहुंचे, या फिर ट्रिपल ए रिकॉर्ड्स वालों तक ये वीडियो पहुंचे, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि एक कोलैबोरेशन वीडियो ना होनी चाहिए आसिम अजहर और यशल की. और अगर यही गाना हो जाए तो क्या ही बात हो जाएगी, मतलब अनप्लग्ड हो ये गाना. ओहो कमाल, एक दफा ट्राई कर ले, हमारे लिए ट्राई कर ले, हमें पता चले कि हम कैसे बोले वो ठीक है या नहीं है. तो लेकिन जहां तक आप जो स्टार्ट में तारीफ कर रहे थे ना, जितनी जो आपने, मैं समझी थी कि आप यशल की ही बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपने सॉन्ग बताया तो वो सॉन्ग अनफॉर्चुनेटली मैंने नहीं सुना. मतलब ये ऐसा भी है कि इस सॉन्ग में देखे जिस तरह से इसको मार्केट किया गया ना, तो मुझे भी ज्यादा ये लग रहा था कि मुस्तफा जाहिद इज द मेन पर्सन, बट दोनों यशल और मुस्तफा दोनों का गाना. और वैसे हैरानी है आपने उनको नहीं, मैंने मतलब आपने जो सॉन्ग बताया मैंने वो भी उनका नहीं सुना था, लेकिन मैं यहाँ वेट कर रही थी आपके बोलने के बाद. लेकिन ये मुझे नहीं सुटेबल लगी ये वॉइस यशल के साथ, क्योंकि यशल हमेशा अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से देख ले. मुस्तफा जाहिद के जो फैन है ना वो कमेंट पे नाराज ना हो जाए. आई एम गिविंग अ ऑनेस्ट रिव्यू, अपनी बात करी हूँ तो बीइंग आर्टिस्ट मैं बताऊँ, मतलब मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी. देखिए अगर मैं यशल की वॉइस मतलब यूनिक वॉइस, एक अलग सी वॉइस, मैं अभी भी आपको असल में देखे हर सिंगर का गाने का स्टाइल डिफरेंट होता है. आई थिंक अगर यशल तो फिर आओ गाएंगी तो उनकी आवाज में कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुस्तफा जाहिद की आवाज उस गाने के लिए परफेक्ट है. बट कुछ गाने होते हैं जो आप स्ट्रेट नोट्स में गाएं तो वो इतने अच्छे, जैसे फॉर एग्जांपल आसिम अजहर के बहुत सारे गाने होते हैं, वो अगर आप स्ट्रेट नोट में गाएंगे ना, आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, वो बहुत बुरे लगेंगे. तो इसी तरह से है, डेफिनेटली जब वो अपना हेड वॉइस यूज कर रही होती है और अपना थ्रॉटल इस तरह से यूज कर रही होती है कि उसमें वाइब्रेटो भी आ रहा होता है, साथ में फॉल्स नोट्स भी आ रहे होते हैं. देखिए नोट्स लेने के बहुत सारी जगहें होती हैं, आप नोट अपने लोअर एब्डोमेन से भी ले सकते हैं, चेस्ट से भी ले सकते हैं, अपर चेस्ट से भी ले सकते हैं, थ्रोट से भी ले सकते हैं, थ्रोट के ही वेरिएशन होते हैं, फिर नोज में आते हैं, फिर हेड वॉइस आती है. तो इन सबको मर्ज करके यू हैव अ टोटल कोलैबोरेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइसेस. ज्यादातर लोग जो गाते हैं वो गले से गाते हैं, ज्यादातर बहुत सारे लोग नाक से गाते हैं, बहुत कम लोग अपने लोअर एब्डोमेन से गाते हैं जिसको डायफ्राम कहते हैं, और बहुत ही कम लोग एक सबसे डिफिकल्ट सबसे नीचे वाली जगह है और एक सबसे डिफिकल्ट सबसे ऊपर, विच इज योर हेड नोट. तो दिस इज जस्ट अ लिटिल नो हाउ अबाउट म्यूजिक. और वीडियो वाइज बहुत अच्छी लगी मुझे ये वीडियो, क्योंकि यू नो जिस तरह की वो वाइब्स दी थी, वो रेड वाली ना, फुल रेड और ब्लैक, कोक स्टूडियो वाली टाइप में लोगों ने उसी टाइप का सेटअप रखा. नहीं लेकिन देखें, आप ये देखें कि ये गाना कितना यू नो दर्द की बात हो रही है इसमें, दर्द वाला. तो वो जो दर्द वाली फीलिंग्स है वो उन्होंने रेड और ब्लैक से, जब दिल टूटा हुआ होता है ना तो देखें दिल का कलर रेड से मैच करते हैं और डार्कनेस को ब्लैक से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो रेड और ब्लैक का जो ब्लेंड आया ना वो बहुत प्यारा आया. सो दिस इज व्हाट आई बिलीव टोटली अबाउट दिस सॉन्ग. और मुझे जो है ना बड़ी अच्छी फीलिंग्स आई, बड़ी अच्छी वाइब्स आई. मैं इस गाने को जो है दो दफा, तीन दफा, चार दफा सुन सकता हूँ लगातार, और इसीलिए. और मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, सॉरी. लेकिन जहाँ तक हम मतलब सामने आर्टिस्ट को देख रहे होते हैं, जो हमारे सामने मतलब ऑन स्क्रीन जो होते हैं, जिनके लिए हम स्पेशली लगाते हैं सॉन्ग उनको देखने, लेकिन जहाँ तक लोग जो काम करते हैं ना बैक वोकल्स पे, बैक वोकल्स एंड होती है इनकी, इनकी कोक स्टूडियो वाले जो लेते हैं बैक वोकल्स, जिनको लेते हैं
उन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया, जिसकी वजह से गाने में जाना चाहिए। अच्छा नेस्कैफे बेसमेंट पे थोड़ा अलग होता है, नेस्कैफे बेसमेंट में जो बैकिंग्स भी दे रहे होते हैं ना, उनकी आवाज काफी ऊपर और क्लियर आती है, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन ट्रिपल ए स्टूडियोज आप लोगों का काम भी बहुत जबरदस्त है, हम चाहेंगे कि लोग इसको मजीद देखें। अभी तक इस गाने पे 1 मिलियन व्यूज आ चुके हैं, हम चाहेंगे कि मजीद और मिलियन 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 ट्रिलियन व्यूज आ जाए, हमारी वीडियो पे भी आ जाए इंशाल्लाह। सो दिस इज व्हाट वी हैव हैड फॉर यू फॉर टुडे, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, हमें बताइएगा कि अगर हमारे अंदर कोई कमी कोताही रह गई हो तो जरूर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग इस वीडियो को शेयर तो कर ही रहे होंगे, चैनल स्क्रीन रिव्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।